कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए अमेरिका से बहुत बुरी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व बैंक की कमान भारतीय मूल के अजय सिंह बंगा के हाथों में सौंपने का फैसला कर लिया है। ये पद इतना महत्वपूर्ण है कि अजय सिंह बंगा की नियुक्ति का ऐलान खुद राष्ट्रपति बाइडेन ने किया। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कंगाली से जूझ रही है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 3.7 मिलियन डॉलर है, जो चंद हफ्ते के आयात के लिए भी कम है। पाकिस्तान ने पहले वर्ल्ड बैंक से कर्ज के लिए संपर्क किया, लेकिन उसे निराशा हाथ लगी थी। इसके बाद पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर रुख किया। हालांकि उसे IMF से पॉजिटिव रिस्पांस मिला और दोनों ही पक्षों के बीच बातचीत शुरू हो गई। IMF ने पाकिस्तान के सामने इतनी कठिन शर्तें रखी हैं कि उसको पूरा करना बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं अजय बंगा की। मास्टर कार्ड के पूर्व CEO अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को उन्हें नॉमिनेट किया। वो इसके लिए नॉमिनेट होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान प्रेसिडेंट डेविड मालपास के अप्रैल 2024 से पहले ही पद छोड़ने के ऐलान के बाद उन्हें नॉमिनेट किया गया है। इस वक्त 63 साल के भारतीय अमेरिकी बंगा प्राइवेट इक्विटी फंड जनरल अटलांटिक के वाइस चेयरमैन हैं। अजय उस भारतीय अमेरिकी पीढ़ी के हैं जिन्होंने पढ़ाई भारत में की और अमेरिका में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। उनकी जिंदगी मेहनत, संघर्ष और सफलता की कहानी है। उन्होंने जलंधर और शिमला से स्कूलिंग की, DU से ग्रेजुएशन और IIM अहमदाबाद से MBA किया। 1981 में उन्होंने नेस्ले इंडिया बतौर मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन किया और 13 साल में मैनेजर बन गए। इसके बाद वो पेप्सिको के रेस्टोरेंट डिवीजन का हिस्सा बने। ये उदारीकरण का दौर था जब बंगा ने भारत में पिज्जा हट और KFC के लॉन्च में बड़ी भूमिका निभाई। बंगा 1986 में सिटी ग्रुप के मार्केटिंग हेड बने। 2000 में सिटी फाइनेंशियल के प्रमुख नियुक्त किए गए। 2009 में मास्टर कार्ड के CEO बने और अपनी मार्केटिंग रणनीतियों से मास्टर कार्ड को युवाओं में इतना लोकप्रिय बना दिया कि स्टेटस सिंबल बन गया। 2016 में बंगा को पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। वहीं अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अजय के पास क्लाइमेट चेंज की चुनौती पर काम करने का अनुभव भी है। ये ऐसे अनुभव और प्राथमिकताएं हैं जो वर्ल्ड बैंक के लिए आने वाले सालों में उनके काम का मार्गदर्शन करेंगे। अमेरिका वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। पारंपरिक तौर पर वर्ल्ड बैंक का चीफ चुनता है, इसलिए ये माना जा रहा है कि बंगा के वर्ल्ड बैंक के चीफ बनने की संभावना ज्यादा है। अजय बंगा डेविड मालपास की जगह लेंगे। उन्हें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नामित किया था। मालपास जून तक इस पद से इस्तीफा दे देंगे। वो अपने निर्धारित कार्यकाल 5 साल से 1 साल पहले इस्तीफा देंगे। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।